रेकी, हीलिंग, मेडिटेशन, एंजल थेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थर्ड आई और कुंडलिनी रेकी जैसी 65 से भी ज़्यादा ऑल्टरनेटिव थेरेपी सीखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और साथ में लगे बेल आइकन पे ऑल प्रेस करें ताकि लगातार हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रेकी के 5 लेवल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम में से बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं रेकी के 5 लेवल में क्या क्या होता है। आज मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि 5 लेवल में क्या डिफरेंस है और कितने कितने टाइम बाद आप ये लेवल सीख सकते हैं। शुरुआत करते हैं रेकी फर्स्ट लेवल की। दोस्तों, जब आप रेकी फर्स्ट लेवल सीखते हैं तो रेकी फर्स्ट लेवल सीखने के बाद आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, आप दूसरों की डायरेक्ट हीलिंग कर सकते हैं या अपने आसपास की जो चीज़ें हैं चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जैसे पेट्स, प्लांट्स, एनिमल्स या फैमिली मेम्बर्स, उनको डायरेक्ट हीलिंग दे सकते हैं। दोस्तों, जब हम सेकेंड लेवल सीखते हैं तो सेकेंड लेवल सीखने के बाद आप अपनी हीलिंग और अच्छे से कर सकते हो क्योंकि आपको सिंबल्स मिल जाते हैं, आपको पावरफुल अटेनमेंट मिल जाता है, आप दूसरों की हीलिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, आपकी इंट्यूशन लेवल अच्छी हो जाती है सेकेंड लेवल के बाद। आप सेकेंड लेवल के बाद जो सबसे बेहतर चीज़ है, आप डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो। चाहे कोई इंसान आपके सामने ना भी हो, चाहे कोई इंसान आउट ऑफ दिल्ली है, आउट ऑफ इंडिया है या दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, तो आप अपने घर पे बैठ के उसको डिस्टेंस के द्वारा, जैसे आप मोबाइल में किसी से बात करते हो तो तरंगों के माध्यम से आपकी आवाज़ जाती है, जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, वीडियो भेजते हो, ऑडियो भेजते हो, कुछ लिखते हो, तो तरंगों के माध्यम से वो चीज़ दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच जाती है। इसी तरह रेकी सेकेंड लेवल में डिस्टेंस हीलिंग के माध्यम से आप किसी भी इंसान को हील कर सकते हो, इवन कि आप किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को भी हील कर सकते हो अपनी जगह बैठे हुए। दोस्तों, ज़्यादातर रेकी फर्स्ट और सेकंड लेवल एक साथ सिखाए जाते हैं क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। रेकी फर्स्ट लेवल सीखने रिजल्ट स्लो आते हैं, इसलिए फर्स्ट सेकेंड लेवल एक साथ सीखने के बहुत से फ़ायदे हो जाते हैं। दोस्तों, फर्स्ट सेकेंड लेवल जब आप सीख लेते हो और आपको लगता है मुझे इसके बेनिफिट होने शुरू हो गए, इसका असर होना शुरू हो गया, मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये असर आपको 1 हफ्ते में दिख जा सकता है, 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में। ज़्यादातर लोग कहते हैं 3 हफ्ते के बाद आप रेकी का थर्ड लेवल सीख सकते हो जो एमरजेंसी हीलिंग में काम आता है। जब कभी कोई ऐसी समस्या है कि सामने वाले इंसान को डॉक्टर्स कह रहे हैं तेरी बीमारी टेस्ट में नहीं आ रही, रिपोर्ट्स में नहीं आ रही, उस बीमारी का पता नहीं चल रहा, दवाइयाँ खा रहे हैं तब भी सॉल्व नहीं हो रही, आप उस बीमारी के लिए सब जगह दिखा चुके हो, सबसे बात कर चुके हो, इवन कि चाहे वो पंडित हो या एस्ट्रोलॉजर हो या वास्तु वाले हो, उनसे भी काम नहीं चल रहा, तो ऐसे में रेकी थर्ड लेवल के अंदर कुछ ऐसी टेक्निक सिखाई जाती है जिसको हम कह सकते हैं साइकिक अटैक, साइकिक सर्जरी, काइनेस्थेसियोलॉजी होती है, टेलीपैथी हीलिंग होती है, कई इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा ऐसी क्रॉनिक चीज़ों को भी सॉल्व किया जा सकता है, या साइकिक प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं कि बॉडी माइंड एंड सोल वाली जो दिक्कत हैं उनको भी सॉल्व किया जा सकता है रेकी थर्ड लेवल के बाद। दोस्तों, रेकी थर्ड लेवल के बाद बात आती है रेकी फोर्थ लेवल की। और रेकी फोर्थ लेवल दोस्तों एक टीचर लेवल है जिसको सीखने के बाद आप किसी को भी रेकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल सिखा सकते हो। साथ में आपको इसको में हीलिंग अट्यूनमेंट बताया जाता है। हीलिंग अट्यूनमेंट की मदद से आप किसी को अट्यूनमेंट के द्वारा हील कर सकते हो। साथ में आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल का अट्यूनमेंट करना सिखाते हैं, कुछ पावरफुल सिंबल्स आपको मिलते हैं। रेकी थर्ड लेवल सीखने के बाद रेकी मास्टरशिप आप कभी भी कर सकते हो, चाहे आप 1 हफ्ते का गैप दो या 2 हफ्ते का दो, आप रेकी मास्टर कर सकते हो क्योंकि दोनों के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक है, जो कंटेंट है, वो थोड़ा भिन्न है, क्योंकि मास्टरशिप में हीलिंग के टॉपिक्स कम आते हैं, मास्टरशिप के ज़्यादा आते हैं। दोस्तों, रेकी का 5वां और आखिरी लेवल आता है रेकी ग्रैंड मास्टरशिप, जिसको करने के बाद आप किसी को भी रेकी का कोई भी लेवल सिखा सकते हो, समझा सकते हो, बता सकते हो, साथ में हीलिंग अटेनमेंट दे सकते हो। और सबसे पावरफुल चीज़ जो आपको वहाँ मिलती है,
आप किसी को भी ज्ञान अचीवमेंट दे सकते हो। ज्ञान अचीवमेंट बुद्धि के लिए, बच्चों के लिए, एग्जाम के लिए, पढ़ाई कंसंट्रेशन के लिए होता है। आप किसी को भी रिलेशनशिप का अचीवमेंट दे सकते हो ताकि उनके रिलेशनशिप अच्छे हो, बेहतर हो, उनकी सबसे बने, सबसे प्यार मोहब्बत हो। रिलेशनशिप चीज़ों को सॉल्व करने के लिए अचीवमेंट होता है। तीसरा अचीवमेंट आप दे सकते हो मनी प्रोस्पैरिटी अचीवमेंट, जिसको हम समृद्धि शक्तिपात भी कहते हैं, जहाँ पे कहीं पे भी पैसों से रिलेटेड समस्याएं हैं उन समस्याओं को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने बेसिक कुछ चीज़ें आपको बताई पांचों लेवल के बारे में, और ये पांचों लेवल सीखने के बाद इतने समर्थ आप हो जाते हो कि आप अपनी, अपने परिवार की तो लगभग हर समस्या रेकी के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। आप चाहें तो दूसरों को भी हीलिंग कर सकते हो, मगर उसके लिए थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सीखो और फटाफट दूसरे की हीलिंग करो, अभी आपको भी नहीं आता। तो थोड़ा कोई भी लेवल सीखने के बाद पहले अपनी हीलिंग करें, अपने परिवार की हीलिंग करें। जब ये सारे चेंजेस आप देख पाएं अपने परिवार के अंदर पॉजिटिव चेंज, उसके बाद आप घर के बाहर के लोगों की हीलिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, रेकी इतनी सिंपल और आसान विद्या है और इतनी ज़रूरी है आज के टाइम में। हर घर में रेकी हीलिंग की ज़रूरत है, रेकी शक्ति की ज़रूरत है। वो कोई 5 साल का बच्चा भी ये सीख सकता है, कोई 90 साल का बुज़ुर्ग भी ये सीख सकता है। ऑनलाइन भी इसको सीख सकते हो, ऑफलाइन भी इसको सीख सकते हो। ये शक्ति हम सबके अंदर है, हम सबके साथ है, बस थोड़ा सा समय दे के उसको समझने की ज़रूरत है। जैसे हम बटन दबाते हैं लाइट जल जाती है, ऐसे ही रेकी शक्ति है। आप जिस गुरु से मिलेंगे, वो एक बटन दबाएंगे, आपकी वो शक्ति जागृत हो जाएगी। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिले तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके हमें बताएं। अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग के बटन पे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन पे ऑल दबाएं, ताकि लगातार इस प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहें और आपका भी आध्यात्मिक विकास हो सके। धन्यवाद।